जब हमने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि इस तरह की सिचुएशन को फाइट करने के लिए अगर आपके पास एक्यूरेट और ऑथेंटिकेटेड और रियल टाइम डेटा नहीं आ रहा होगा पेशेंट्स के ऊपर केसेस के ऊपर और उसके साथ जो चीज़ें बिल्ड होती हैं तो आपका रिस्पांस मेकनिज़म और जिस तरीके से आप इस वबा को कंटेन करने की कोशिश करेंगे वो उ, उस लेवल का हो ही नहीं सकता तो एक तो ये बहुत क्लियर थी बात कि हमें एक डेटा ड्रिवन अप्रोच रखनी है अगर आपने अल्टीमेटली एक सेंट्रल चीज़ बनानी है बिकॉज देखें वबा जो है वो कोई प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ नहीं देखती वो ये नहीं देखेगी कि मैंने सिंध से ये मेरा सिंध में है या ये मेरा पंजाब में है तो अल्टीमेटली आपको एक नेशनल व्यू लेना बड़ा ज़रूरी है जिससे आप डिसीजन ले सकें कि यू नो हमने जो लॉकडाउन है लॉकडाउन इस तरीके से करना है या इस तरीके से करना है या चीज़ें बेहतर हो रही हैं डेथ्स गिर रही हैं ये ये सब चीज़ें समझनी नेशनल लेवल पर बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप फिर नेशनल लेवल पे डिसीजंस ले सकें तो ये, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हिस्टोरिकली हमने ऐसी नहीं की चीज़ें डिजिटल पाकिस्तान ने क्या इनोवेटिव काम किया है क्या ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं इस रिस्पॉन्स में जो कि पाकिस्तान में पहले नहीं थी या चले कदरें कम थी मैं एक्चुअली इस स्कूल ऑफ थाट में हूँ कि टेक्नोलॉजी को नई किस्म की ऐप लॉन्च करना या नई किस्म की कोई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना या वो अगेन देखिए आपने गोल क्या अचीव करना है इस वक्त जो हमारा गोल है एज फार एज़ मैं देख सकती हूँ और जो मेरा ख़्याल है हमारा गवर्नमेंट में गोल होना चाहिए वो ये है कि आप इफेक्टिवली डेटा कलेक्ट करें उसको अफेक्टिवली इस्तेमाल करें उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करके उसके ऊपर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करें कि मतलब फ्लैशी चीज़ों का ये इस वक्त टाइम नहीं है एक्चुअली कि हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं इनेबल करने की टू डिसीजन मेकर्स कि कि अब जैसा फॉर एग्जांपल अब एक दफ़ा हमने बड़ा लॉकडाउन किया है hmm. क्या हम बड़ा लॉकडाउन दोबारा अफोर्ड कर सकते हैं हमारा ख्याल है नहीं कर सकते hmm. तो किस तरीके से हम अगेन डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं टू तो कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आउटब्रेक्स होंगी या होने वाली हैं क्लस्टर्स है कहाँ पर क्लस्टर्स हैं आप उन जगहों पर कैसे स्मार्ट लॉकडाउन इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप छोटे एरियाज़ को बंद करें डिज़ीज़ को कंटेन करने के लिए ये डेटा कितना प्रोटेक्टेड रहेगा और किस हद तक आ, जो है आप लोगों को ट्रैक कर रहे हैं लेकिन जहां तक तो प्राइवेसी का मामला है ये एक ऐसी चीज है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड जगहों पे नजर आती है ये बहुत ही लिमिटेड इदारे हैं जहाँ पे ये एक्सेस है जैसा तो फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना एग्जांपल दे सकती हूँ मैंने आज तक ये कोई इंफॉमेशन नहीं देखी है नहीं आप मुझे बता सकती हैं कौन देख सकता है ये हमारी जो जो ऑथराइज एजेंसीज हैं जो इस जो इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं कौन सी हैं देखिए जी जो जो ये हमारी हमारी बहुत सारी बहुत सारी रिस्पांस मेकनिजम्स के अंदर जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं या आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं जो जिनके पास एक्सेस है उस डेटा का और वो देख सकते हैं उनको और उनको अथॉरिटी है वो इस डेटा इस को देखते हैं और अगेन मैं इंटेंट के ऊपर इसलिए आ रही हूँ बिकॉज इसका इंटेंट देखिए इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप क्यों कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेसी के आप कॉन्वर्सेशन के अंदर जब हम जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि भी ये हमें तो बिल्कुल मतलब किसी को कोई चीज़ नहीं देखनी चाहिए नहीं लेकिन तो तो दानिया अभी की इंटेंट पे किसी को शक नहीं है लोगों को कंसर्न्स हैं मुस्तबिल के बारे में कि अगर मेरी इतने इजीली गवर्नमेंट ट्रैकिंग कर सकती है विदाउट ऑथराइजेशन मेरी राइट्स क्या हैं uh, मैं आपसे uh, यूं पूछ लेता हूं क्या मेरा लोकल पुलिस स्टेशन देख सकता है uh, क्या उसके पास इस हद तक एक्सेस है लेकिन जी मैं आपको मैं तो आपको यही बता सकती हूं कि मैं सेंट्रली इन्वॉल्व हूं इसके अंदर और मैंने आज तक ये इंफॉर्मेशन नहीं देखी है. है नहीं लेकिन फिर नहीं, नहीं मैं आपको ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि इट्स मैं मतलब मैं एनसीओसी के अंदर बैठती हूं

ज़रा सा ट्रस्ट करना ज़रूरी है कि मैं इस, इसलिए मैं इंटेंट की बात कर रही हूँ कि देखिए प्राइवेसी के की जो आर्गूमेंट है ना उसके बहुत सारे शेप्स एंड फॉर्म्स लिए जा सकते हैं उसके बहुत सारे एंगल्स और साइज हैं हमारा ये आइडिया नहीं है कि हमें पता हो कि आपने किसको कॉल किया और आपने क्या किया हमारा हमारा पॉइंट ये है कि हम आपका पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन हटा के ये देख सकें कि भाई ये नंबर जो था इस नंबर से और कौन और लो, लोग लिंक थे और मुझे नहीं पता कि वो आपका नंबर है या किसी और का नंबर है क्या अब हमने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है जहां पे मल्टीपल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्राफे बिल्कुल एपसोलूटली नॉट और मैं आपको दोबारा ये कहूंगी जिस लेवल ऑफ टाइटनेस के साथ ये किया जा रहा है वो ये है कि जितनी टाइटली ये किया जा सकता है और जितने कम यू नो फिजिकल लोगों को वो एक्सेस है मैंने तो as, ये मेरा Who decides कि एक्सेस किसके पास होगी? जी, um, yeah, I, I I I am not aware of the fact कि who decides that. इस वक्त गवर्नमेंट का एक बैलेंसिंग एक्ट है बिटवीन प्रोटेक्टिंग द सिटीजंस और मैशत को बचाना यानी अपने शहरियों को बचाना और मैशत को बचाना मैसेज ऑफ पाकिस्तान के लिए डिजिटल पाकिस्तान क्या कर रहा है देखिए जी आई थिंक हमारे पास ऑपरचुनिटी जो है जब मैं जब मैं डिजिटल के बारे में सोचती हूँ जो हमारे पास ऑपरचुनिटी है कि वो हम बेसिकली लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग लोगों में पैदा कर सकें कि जिस तरीके से आप जॉब्स के बारे में सोचते हैं ना और जहाँ जिस तरीके से हमने हमेशा जॉब्स के बारे में सोचा है जब आप डिजिटल एज में आते हैं तो जॉब्स की डेफिनेशन इज डिफरेंट जब हम सोच जैसे मैं आपको एज एन एग्जाम्पल देती हूँ लोग घर पे बैठे हुए हैं अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है आपके पास डिवाइस है आपके पास एक्सेस है चाहे वो वाईफाई एक्सेस हो जो जो डेटा एक्सेस हो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो पहले आप नहीं कर सकते थे और उसके ऊपर आप पैसे बना सकते हैं और मैं मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने देखे हैं एग्ज़ाम्पल्स ऑफ जो लोग जो लिटरली गाँव में बैठ के अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हैं यूजिंग इन प्लेटफॉर्म्स और उसके ऊपर पैसे बना रहे हैं लेकिन दानिया दानियामीज़ पूरी की पूरी इकोनॉमीज यूट्यूब स्टार्स पर तो नहीं खड़ी हो सकती आप, आप देखें जी मैं मैं ये नहीं कह रही कि देखें आपने मुझसे पूछा कि क्या चीज़ें डिफरेंट की जा सकती हैं मैं ये नहीं कह रही कि ओवर आपकी इकोनॉमी यूट्यूब स्टार्स पर खड़ी हो जाएगी मैं ये आपको कह रही हूँ कि आई थिंक लोगों को समझना कि आपके पास ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ इनकम है जो आपने हमने देखें पहले हमने कभी इस तरह की चीज़ों की बात ही नहीं की है क्या जब आप बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी की या गिग इकॉनॉमी की पाकिस्तान में अभी ये बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर है hmm. तो इसके ऊपर सोचना कि क्या ऐसे तरीके हैं कि हम एक ऐसा इंसान जो पहले एक सर्टन तरीके से पैसे बनाने का सोच रहा था क्या ऐसी मीन्स पैदा किए जा सकते हैं कि वो अब एक डिफरेंट तरीके से मीन्स के बारे में सोच सके यूजिंग द डिजिटल इकॉनमी या यूट्यूब स्टार्स की खाली बात करना देखें लेट्स लेट्स टॉक अबाउट अदर एग्ज़ाम्पल्स आप मुझे बताएं आपके ख्याल है कि करीम जो कंपनी है उन्होंने कितनी जॉब जनरेट की है पाकिस्तान में hundreds ऑफ़ थाउज़ेंड्स okay. ठीक है वन कंपनी इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी नाउ द जो जॉब की डेफिनेशन है वो डिफरेंट है हाँ. uh, लेकिन उन्होंने मींस पैदा किए है कि लोग आके थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के साथ एक सर्विस ऑफर कर सके और वो उसके लिए पे हो सके है. मेरा आखिरी सवाल है आ, एक चीज जो कंसिस्टेंट इस गवर्नमेंट की है वो ये है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट हो या ओ टी टी सर्विसज़ के हवाले से लेजिस्लेशन हो इस गवर्नमेंट का इसरार है कि डेटा सेंटर्स पाकिस्तान के अंदर बनाए जाएँ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास उनका फुल कंट्रोल हो वन कम्स टू कंपनीज लाइक ट्विटर फेसबुक या कोई भी और गूगल डेटा सेंटर्स पाकिस्तान के अंदर बनाए Uh, मेरा आपसे सवाल ये कि क्यों ये इस कदर इसरार क्यों है और uh, आपके ख्याल में क्या ये कंपनीज ये करना पे तैयार हो जाएंगी अच्छा जी देखें ये ये एक्चुअली बड़ी लंबी डिबेट है इस पर हमें पढ़ना चाहिए बिल्कुल और इसके ऊपर बैक एंड फोर्थ बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम व्यूज़ ओपनली uh, बात कर सकें और शेयर कर सकें um, पाकिस्तान यूनिक नहीं है um, इन अगर आप पूरी दुनिया में देखें ये कॉन्वर्सेशन इस वक्त जो है ये हॉट टॉपिक है ग्लोबली अच्छा ये, और वो हॉट टॉपिक्स क्यों 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 बनते हैं इसलिए बनते हैं क्योंकि मुल्कों को रियलाइजेशन होती है या वो रियलाइज़ करना शुरू करते हैं कि भई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क की बाउंड्रीज़ के अंदर रहें अब आप उसको कह सकते हैं कि वो बात गलत है या सही है उस डिबेट में हम नहीं पढ़ते लेकिन ये मैं कहना यह चाहूँगी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे डेवलप्ड मुल्क हों जहाँ पे इन कंपनीज के <laughs> का डेटा रिजाइड करता है um, या ये डेवलपिंग कंट्रीज हों लाइक पाकिस्तान और मैनी अदर कंट्रीज़ ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आई थिंक हर बन हर मुल्क को रियलाइजेशन हो रही है कि यू नो डेटा इज़ न्यू करेंसी देखिए मैं आपको ये कहूँगी कि आई थिंक ये uh, हमने तो पहले बात की थी ये बैलेंसिंग एक्ट आई थिंक हमें ऐसी प्रोविजंस uh, देनी चाहिए कि हम आसानी से जो पर्टिकुलरली uh, जो सेंसिटिव डेटा है जो हमारे का सेंसिटिव डेटा है uh, उसको हम आसानी पैदा करके मुल्क के अंदर रख सकें दैट्स आई आई डू फील लाइक देर इज़ वैल्यू इन दैट लेकिन आई थिंक अगेन मोर इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें आसानी पैदा करनी ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर बात कर रहे हैं बड़ी कंपनीज की आपने क्वेश्चन पूछा इनफैक्ट सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वॉज के क्या ये कंपनीज तैयार होंगी करने को अच्छा अब इन कंपनीज़ की भी अगर आप देखें कंपनीज़ की तरफ से भी उन कंपनीज़ के अंदर भी ये एक बहुत बड़ी डिबेट है क्योंकि भी. उनको हर जगह से ये रिक्वेस्ट आ रही है ये खाली अगेन ये पाकिस्तान स्पेसिफिक रिक्वेस्ट नहीं है अब उन्होंने कंपनीज की इतने नहीं देखना है कि भई हम कहाँ पर ये कर सकते हैं कहाँ पर इन रिक्वेस्ट को हम कम्प्लाई कर सकते हैं कहाँ पर उन रिक्वेस्ट को कम्प्लाई नहीं कर सकते और अगर कंप्लाई करना है तो उनको किस प्रायोरिटी में करना है अब वो आप एज यू कैन इमेजन हर कंपनी अपनी देखेगी कि भी हमारा बिज़नेस इंटरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा है या हमारे यूज़र्स कहाँ पे ज़्यादा है तो वो उस, उनको उस ऑर्डर में करने, करने की तरफ़ जाएंगे जहाँ पे पाकिस्तान का क, का सवाल आता है अ, हमारा बिज़नेस इन सब कंपनीज़ की जिन्होंने आपने बात की हमारा बिज़नेस इन कंपनीज़ के की ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में बिल्कुल यू नो प्रबली ड्रॉप इन द बाट है ग्रोइंग uh, है लेकिन ड्रॉप इन द बाट है तो यू नो अगेन मैं uh, मैं एक बात कर रही हूँ अगेन एज समी जिन जिसने बहुत साल इस सेक्टर में गुजारे हैं um, तो एक ये रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन कंपनीज़ को करनी पड़ेगी और वो कर रही हैं कोशिश कर रहे हैं कि अगर करना बिकॉज उनकी तरफ से सिग्निफिकेंट एफर्ट लगेगा mm -hmm. तो आई थिंक हमारा हमारे लिए जो बैलेंसिंग एक्ट है पाकिस्तान और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए वो ये है कि हम ये कर सकें कि हम एक मैसेजिंग क्लियर पहुंचा सकें लेकिन इन अ रीज़नेबल फ़ैशन विद द कंपनीज़ और कंपनीज़ को साथ ऑन बोर्ड लें उनको समझाएं कि क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं uh, और फिर उनको एक रीज़नेबल टाइम फ्रेम दे सकें जिसके अंदर वो उन चीज़ों को फुलफ़िल कर सकें ठीक है अगर आप आके कैंक अगर आप ये हम आके एक्सपेक्ट करेंगे कि चीज़ दो महीने में हो जाएगी या तीन महीने में हो जाएगी तो वो मैं आपको एक्चुअली रीज़नेबल कॉन्फिडेंस के साथ बता सकती हूँ कि वेरी लो लाइटलीहुड नहीं हो सकेगा